सावन के पहले सोमवार को हापुड़ के शिवालयों में भक्त बड़ी संख्या में पहुंचे और भगवान शिव का जलाभिषेक व दुग्धाभिषेक किया। इसके साथ ही हर हर महादेव के गूंज से मंदिर गूंज उठा। इतना ही नहीं, हापुड़ के प्राचीन छपकोली महादेव मंदिर, सबली महादेव मंदिर समेत लगभग 5000 साल पुराना गढ़ क्षेत्र के गांव दतियाना में मौजूद प्राचीन भूतेश्वर लाल शिव मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। सुबह सवेरे ही भक्तों का मंदिर पहुंचना शुरू हो गया था, जहां भक्तों ने भोले का जलाभिषेक कर आशीर्वाद लिया। जहां हापुड़ के सभी मंदिरों का अपना अपना इतिहास है, तो वहीं दतियन गांव के शिव मंदिर को लेकर कहा जाता है कि इसे भूतों ने बनाया था। साथ ही ऐसी मान्यता है कि मंदिर में भोले का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ये बताते हैं कि कभी बहुत 5000 वर्ष पहले की बात है, यहाँ रात को मंदिर बन रहा था, भूतों ने बनाया। सुबह 4 बजे करीब जो चक्की चलाती है औरतें, किसी ने चक्की चलाई और मंदिर अधूरा रह गया, चोटी नहीं बन पाई। इसका चोटी का निर्माण बहुत बाद में हुआ, लेकिन ये बताते हैं कि यहाँ जो भी लोग यहाँ आते हैं, जो भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ, यहाँ उनकी मनोकामना पूरी होती है। जैसे हमने देखा है जी यहाँ मंदिर में, जब छोटे थे बचपन में, एक तो ये पिंडी है मंदिर के साथ की शिवलिंग और एक नंदी हुआ करते थे यहाँ पहले, वो खंडित हो गए, चेंज कर दिए जी। तो यहाँ एक ऐसे बोल बना हुआ था, यहाँ एक बोल बना हुआ था, तो ऐसे बताते हैं कि इस बोल बना हुआ था, इस मंदिर का जल कभी मंदिर से बाहर नहीं गया। और यहाँ शंकर भगवान का मंदिर है और मंदिर करीब 5000-5500 वर्ष पुराना है, कभी महाभारत हुई थी उससे भी पहला। और बताते तो ऐसा है, बुजुर्ग महर्षि दत्तात्रेय ऋषि की तपोस्थली है ये। महर्षि दत्तात्रेय ऋषि ने तपस्या की थी यहाँ, उन्होंने ही तपस्या से मंदिर तैयार हुआ, उन्होंने ही बनवाया ये। और बताते तो ऐसा है कि एक रात में बनाया जी ये, और भूतों के द्वारा बनाया गया, किसी ने बनाते हुए नहीं देखा कि किसने बनाया, इसलिए और जब सुबह दिन निकल आया, यानी कि सुबह 3-4 बजे जब कार्य करने के लिए अपने क्षेत्र में अपने गाँव में सब व्यक्ति मनुष्य उठने लग जाते हैं इस होकर के, तो वो अपना दैनिक कार्य करते हैं। जैसे हमारे घरों में पहले सब औरतें चक्की चलाती थी, आटा पीसती थी, सबके घरों में यही काम होता था। तो वो घोर सुन के, उसकी आवाज़ सुन के वो छोड़ के चले गए, इसलिए इसकी चोटी नहीं बन पाई थी। चोटी उसके बाद में फिर जब बताते हैं कि अधूरा नहीं रहना चाहिए मंदिर, तो गांव वालों के द्वारा जो भी व्यक्ति थे उस समय के, उनके द्वारा चोटी बनवाई गई, तो मंदिर पूरा हुआ। वहीं अगर सुरक्षा की बात करें तो पूरे जिले में पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग की हुई है। जिले के सभी मंदिरों पर पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल तैनात की गई है, साथ ही सीसीटीवी से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन द्वारा मुस्तैदी से ड्यूटियां लगाई गई है। हम लोग सुबह 4 बजे से यहाँ पे हैं, 4 बजे से श्रद्धालु आने शुरू हो गए थे, जल चढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये श्रावण मास का प्रथम सोमवार है और सुबह से ही भीड़ लगी थी, अब थोड़ा कम है। बता दें कि सावन के सोमवार की अपनी महत्वता है। आज के दिन सभी भक्त भोले को जल दूध चढ़ाकर खुश करते हैं ताकि उनकी मनोकामनाएं पूरी हो सके। इसलिए सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हापुड़ से सुनील गिरी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।